Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. If you are new here, my name is Antima Dubey. So I'm back with another makeup video और ये makeup look मैंने रक्षाबंधन के लिए किया है. Trust me girls, ये जो makeup है ना बहुत ही ज़्यादा easy है, simple है and practical है. आप रक्षाबंधन के दिन इस makeup look को आराम से carry कर सकती हैं and आपके पास जो भी product है उससे इस makeup look को create कर सकती हैं. So if you are interested to know how you can achieve this makeup look, then please keep on watching. ऑल राइट गाइज, तो स्किन केयर मैंने ऑलरेडी कर लिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो. उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ममा अर्थ का न्यू प्राइमर. इसके पहले वाले मेकअप लुक में भी मैंने यही प्राइमर अप्लाई किया था एंड आप लोगों को बताया था कि ये जो प्राइमर है ये अभी टेस्टिंग पीरियड में चल रहा है. बहुत ज़्यादा मैं इसको अप्लाई करके देख रही हूँ अलग अलग तरीके से. मे बी इसका नेक्स्ट वीक में रिव्यू भी आ जाए. एंड उसके बाद मैंने अप्लाई किया है लैक्मे की ल्यूमी क्रीम. ये जो ल्यूमी क्रीम है ना बहुत ही सटल सा, बहुत ही नेचुरल सा ग्लो देती है. अगर आप इसको फाउंडेशन के नीचे अप्लाई करते हैं ना तो आपका फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा ड्यूई एंड ग्लोई सा दिखेगा. सो इस वजह से मैंने इसको अप्लाई किया एंड ये डे मेकअप लुक है. तो डे में ना मेकअप जो है वो जितना ज़्यादा नेचुरल रहे, जितना ज़्यादा मिनिमल रहे वही अच्छा लगता है. इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल मेकअप करती हूँ. ऐसा नहीं कि नाम मैंने दे दिया रक्षाबंधन मेकअप एंड उस मेकअप को देख कर मतलब लगे ही ना कि रक्षाबंधन मेकअप है, ठीक है. उसके बाद मैंने ये प्लम गुडनेस का फाउंडेशन लिया है एंड उसको डॉट डॉट करके अपने फेस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ. जब ये फाउंडेशन मैंने अपने हाथ पे लिया तो मुझे लगा उफ ये तो गलत शेड आ गया है, ये बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा था. लेकिन जैसे ही मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई किया तो ये मुझे लग रहा था नहीं मैच हो जाएगा, वरना अगर नहीं मैच होगा तो कंसीलर से इसको फिक्स करेंगे. और ब्लेंड करने के बाद तो एकदम से ही ये मेरी स्किन पे मैच हो गया. आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मेरी स्किन कलर का ये हो गया एंड ये ऑक्सीडाइज भी नहीं हुआ था तो ऐसा ही दिख रहा था, काफ़ी नेचुरल दिख रहा था ये मेकअप लुक, ठीक है. उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है ब्लश एंड यहाँ पे मैंने क्रीम ब्लश लिया है क्योंकि मुझे यू नो जैसा कि मैंने बोला कि एक नेचुरल लुक चाहिए था एंड इसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड करके देखा था तो ये ना काफ़ी पैची था. ये सबसे अच्छा फिंगर से ही ब्लेंड होता है तो अगर आपके पास इस तरह का क्रीम ब्लश है ना तो ब्रश या ब्लेंडर मत यूज़ करना, फिंगर ही यूज़ करना, ठीक है. उसके बाद मैंने ये पैलेट लिया है और इसमें से मैंने हल्का सा ब्रॉन्जर पिक किया है और उसको मैंने बहुत ही हल्का सा अप्लाई किया है ताकि मेरे फेस को एक डायमेंशन मिल जाए एंड बहुत लाइटली अप्लाई किया है. अगर ये पैलेट आपको ट्राई करना है या आपके पास है तो इसमें से जो कलर है ना बहुत लाइट हैंड पिक करना एंड थोड़ा सा इसको निकाल भी देना क्योंकि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ये, ठीक है. उसके बाद जस्ट रफली मैंने ऑल ओवर अप्लाई किया इसको एंड देन मैंने अपनी जो अंडर आई एरिया है उसको फिर से ब्लेंड किया सेम ब्यूटी ब्लेंडर से और उसके बाद एक ड्राई स्पॉन्ज या एप्लीकेटर इस तरह का जो कॉम्पैक्ट पाउडर में आता है उससे इसको फिक्स कर लिया. अगर इस तरह से करेंगे ना तो आपका जो अंडर आई एरिया है वहाँ पर क्रीज नहीं होगा एंड मेकअप सेटल नहीं होगा. एंड उसके बाद मैंने ये लिया है हल्का सा डार्क मरूनिश कलर का आई शेडो, उसको मैं एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी. जो मैंने ब्लश पहले अप्लाई किया था वो हल्का सा पिंकी पिंकी हो गया था बट मुझे आई मेकअप जो है वो ब्राउन रखना है तो थोड़ा सा उससे मैचिंग मुझे करना था. बहुत ही लाइट हैंड मैंने किया है और ये थोड़ी देर में अभी इसके ऊपर हाइलाइटर वगैरह लगेगा तो और ज़्यादा लाइट हो जाएगा. उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे ये मास्टर क्रोम मेबलिन का मोल्टन गोल्ड हाइलाइटर एंड ये हाइलाइटर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. बस हल्का सा आप लोग है ना पूरा चमक जाओगे एक बार में ही एंड देख सकते हैं आप. मैंने सिर्फ एक बार पिक किया है एंड उससे मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया. ये हाइलाइटर काफ़ी ज़्यादा नेचुरल दिखता है एंड इसको आप बिल्ड कर सकते हो आपको जिस तरह से चाहिए, ठीक है. उसके बाद मैंने पूरे बेस को सेट कर लिया है यहाँ पे फिक्सिंग स्प्रे से और उसके बाद मैं अपनी आईब्रो को फिल करूँगी. आईब्रो फिलिंग के लिए मैं ब्लैक ब्राउन आई शेडो को पिक कर लेती हूँ और उसी से अपनी आईब्रो को फिल कर लेती हूँ तो काफ़ी सही होता है. देन मैंने एक स्पूली की हेल्प से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया ताकि आईब्रो नेचुरल दिखे. उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे मामा अर्थ का काजल. आप कोई भी ब्लैक काजल ले सकते हैं. उसके बाद आपको तुरंत इसको ब्लेंड करना है एक टाइनी से ब्रश से. अगर आप बड़े ब्रश से करेंगे ना पूरा स्मोकी आई वाला लुक आ जाएगा बट मुझे स्मोकी आई लाइनर चाहिए था ना कि स्मोकी आई लुक चाहिए था तो बहुत ही छोटा सा ब्रश लिया जिससे मैंने अपनी आईब्रो फिल की, उससे मैंने हल्का सा इसको स्मोक आउट कर लिया. उसके बाद मैंने इससे थोड़ा सा बड़ा ब्रश लिया है एंड सेम जो ब्रॉन्जर शेड था उसी से मैं ऑल ओवर अपनी लिड पे इस तरह से आप देख रहे हैं. बिल्कुल भी प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ऐसे ब्लेंड करना है ताकि जो आपका काजल है और ये जो आई शेडो है ये आपस में मर्ज हो जाए, बीच में कोई भी हार्श लाइन ना दिखे, ठीक है. एंड देख सकते हैं अभी मेरा आई लुक कितना सही लग रहा है.
उसके बाद हल्का सा सेम ब्रश छोटा वाला मैंने लिया जिससे आईब्रो फिल की थी, उससे अपनी मैंने लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर लिया बहुत ही लाइट सा, आउटर कॉर्नर की तरफ, इनर कॉर्नर की तरफ मैंने कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद मैंने लिया है मस्कारा। मस्कारा ये है आई थिंक मार्स का डबल शॉट करके है मस्कारा, जिसमें दो मस्कारे मिलते हैं, वो मैंने लिया है। काफ़ी अच्छा मस्कारा है बट इसको छुटाने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब छुड़ाने में, मतलब ये वाटरप्रूफ मुझे लग रहा है तो बहुत प्रॉब्लम होती है इसको निकालने में। और उसके बाद जाके फिर उसी से जो बच गया था उसी से मैंने अपनी आईब्रो को भी सेट कर लिया। देन मैंने इनर कॉर्नर में एक दूसरा हाईलाइटर लिया जो कि क्रीम हाईलाइटर है इनसाइड कॉस्मेटिक का, उसको मैंने अपने इनर कॉर्नर पर लगाया, हल्का सा एक्सटेंड कर लिया लोअर लैश लाइन की तरफ। देन मैंने ये लगा लिया ब्राउन कलर का लिप लाइनर, उसके बाद ये ब्राउन कलर के लिपस्टिक, एंड दिस इज अ फाइनल लुक गाइस। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, लिंक या हैंडल नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।